बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं आज आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो प्यार नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। छोटी सी वीडियो लेके आ गई हूँ तो आपने ज़रूर देखनी है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो प्यार नाजरीन, जैसे कि मैं आपको कह रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं आपके साथ एक इतना बड़ा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, इतना बड़ा सरप्राइज शेयर करने वाली हूँ। तो आज इंशाल्लाह जी इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो माशाल्लाह ख़त्म होगी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपको कितने व्लागों में बताया था कि मेरे मियाँ साहब जो है वो रहते हैं बाहर, तो आउट कंट्री रहते थे, तो इसलिए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए थे माशाल्लाह। तो कुछ कोरोने की वजह से, कुछ अपनी वजह से ना नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए माशाल्लाह वो जी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ। तो प्यार नाज़रीन, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जो आपके कोई भाई रहते हैं जहाँ के, कोई भी आपका बहन भाई जो भी है कोई, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। ये जो काम होते हैं ना बाहर के, ये बड़े मुश्किल होते हैं। तो काफ़ी देर हो चुकी थी माशाल्लाह, उनको भी गए हुए। तो जी अब इंतज़ार की घड़ियाँ जो है माशाल्लाह ख़त्म हो गई है। मैं भी बड़ी खुश हूँ, बच्चे भी माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड हैं कि माशाल्लाह बहुत खुश है। तो अभी तक मैंने इतना ज़्यादा अपनों को भी नहीं बताया, और सोचा मैंने ये है कि मैं पहले अपनी YouTube फैमिली को बताती हूँ कि मैं आज माशाल्लाह बड़ी खुश हूँ। तो इसी के साथ ही मैं जा रही थी उनके लिए शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना बाकी के काम करूँगी। तो बच्चे माशाल्लाह इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जो है ना इंतज़ार की घड़ियाँ जो है ना ख़त्म हो गई हैं। तो आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से घर लेके आए। तो हम बहुत खुश हैं, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। और इसी के साथ ही जो मेरे मियाँ गए थे कुछ दिनों के लिए कहीं और सैर करने के लिए, उधर से माशाल्लाह उन्होंने अपने ही लड़कों के साथ प्रोग्राम बनाया और चले गए बाहर। भाई जी अब माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई थी, तो अब माशाल्लाह वापस आ रहे हैं। उन्होंने आना तो वैसे पहले दूसरे महीने था, लेकिन नहीं आ पा रहे थे कोरोने की वजह से, तो अब माशाल्लाह आने लगे हैं। तो मैंने सोचा कुछ दिन रह गए हैं तो मैं क्यों ना अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं, और जो जो उनके लिए शॉपिंग करूँगी और जो जो उनके लिए खाने बनाऊँगी और जैसे जैसे उनके लिए तैयारी करेंगे बच्चे, माशाल्लाह बहुत कुछ उन्होंने सोचा हुआ है। तो लेकिन उनके जाने के बाद मैंने ये देखे माशाल्लाह, उनके जाने के बाद ही मैंने ये घर भी बनाया है मेरे बेटे ने और मैंने, दोनों मिलके हमने मिस्त्रियों के साथ सारी सेटिंग वगैरह करवा के सारा कुछ किया है। तो माशाल्लाह पहली दफ़ा आके देखेंगे अपना घर भी, और बाद में बेटी की शादी भी मैंने की थी उनके बाद ही, तो वो भी माशाल्लाह सारा दिन की वीडियो कॉल है मेरे साथ रही है। तो आज जी मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले शॉपिंग करने से पहले मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ कि मैं कितने दिनों की आपको कह रही हूँ कि मेरे घर इतना बड़ा सरप्राइज़ है और मेरे पास घर आने वाला है मेहमान। घर मेहमान नहीं आने वाला, घर का मालिक आने वाला है। तो माशाल्लाह जी देखें तो हम तो कभी नहीं थे इतने दिनों के लिए कहीं गए ना आए ना बच्चे हमारे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। 2-3 महीने तो ऐसे गुजर गए जैसे कि पता ही नहीं था कि वो गए हैं कहीं। तो लेकिन जब आस्ता 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 जो बच्चे हैं ना वो माशाल्लाह कुछ उन्होंने मेरी साथ में मेरे सपोर्ट की और साथ में मैंने उनके साथ किया, इस तरह आस्ता आस्ता टाइम जो है गुजरता गया है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब हमने बोला है कि आज अब जी ख़त्म हो गया है, तो इंतज़ार हमने बहुत किया है, अब बस हो इसके आगे नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नाज़रीन जो है ना, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, जो मेरे प्यारी प्यारी फैमिली है, मैं सबसे पहले उनके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे सुकून तब आया, तो सुकून तब ही आया मैंने आपके साथ शेयर करके, और यकीन करें कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी खैर खैरियत से घर लेके आए। तो इंशाल्लाह जब व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह उनके साथ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं उनके साथ में लगाऊँगी छोटी सी पिक्स भी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो प्यार नाज़रीन, मैं आज बड़ी खुश हूँ इसलिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरे मियाँ साहब हैं और साथ में मैं हूँ, तो दोनों देखें आप। तो इंशाल्लाह जब घर आएंगे तो फिर भी आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी, जो उनके लिए बच्चों ने सोचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मामा इतनी देर के बाद आने लगे हैं, तो हमने ना ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है। तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग भी आप इसके साथ शेयर करूँगी। तो प्यार नाज़रीन, आपने ज़रूर दुआ करनी है मेरे मियाँ साहब के लिए,
ताकि वो जी अच्छी तरह माशाल्लाह खैर खैरियत से अपने घर पहुंचे अपने बच्चों के साथ और मेरे साथ। तो अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जैसे कि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ ही जो जो माशाल्लाह जब आएंगे, जब हम उनको लेने जाएंगे, इंशाल्लाह सारे व्लॉग आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। उसके बाद कोशिश करूँगी कि हर वीडियो जो आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो प्यारा वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट किया करें, हम आपसे हर बात शेयर करते हैं। इसलिए अपनी यूट्यूब फैमिली समझ के, अपने बहन भाई और अपने सब दोस्त समझ के करते हैं, तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और लाइक शेयर किया करें। तो प्यार नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं जा रही हूँ आज अपने मियाँ साहब के लिए शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं जो है ना शॉपिंग करने से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा उधर भी पता तो चल ही रहा होगा, लेकिन फिर भी पहले मैं शेयर करके फिर मैं शॉपिंग करूँगी इंशाल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो मैंने ख़ास आपके लिए बनाई है कि इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म होने वाली हैं इंशाल्लाह। आपने फिर भी दुआ करनी है कि अल्लाह खैर खैरियत से जैसे वो गए हैं इसी तरह वो माशाल्लाह अपने घर खैर खैरियत से आएँ और आके अपने बच्चों को देखें, अपने फैमिली को देखें, अपने घर को देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने उनको दिखाई हैं वीडियो कॉल पर, लेकिन उतना मज़ा नहीं होता जब आके आमने सामने देखेंगे तो फिर पता चलेगा। मुझे कह रहे थे कि नहीं आप रहने दे मैं बनाऊँगा, तो मैंने उनके बाद ही ये सारे काम किए हैं, तो मैंने भी बहुत इंतज़ार किया, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। तो फिर मिलूँगी इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। कुछ पिक्स दिखाती हूँ आपको, तो आपने ज़रूर देखना है और लाइक शेयर करना है।